हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वीडियो बना के ला रहा हूं, जिस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 1600 रुपए में काम कर रहा है, मुझे लगता है कि वो अब 1500 रुपए तक जा सकता है, यानी कि 100 रुपए की गिरावट वो दिखा सकता है, यानी कि अपने हायर लेवल से जो अपने हाई पे चल रहा है अभी रिलायंस इंडस्ट्री, वहां से 6% से 6.5% तक की गिरावट रिलायंस इंडस्ट्री दिखा सकता है एट अ मैटर ऑफ टाइम। क्या लेवल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या स्टॉप लॉसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं चार्ट्स में लेकर चल के बताऊंगा। कितने टाइम में क्या टारगेट आएगा, शॉर्ट टर्म में कहां तक वो जा सकता है, लॉन्ग टर्म में वो कहां तक जा सकता है, ये सारी चीज़ें की एक ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि मैं साइड में और पर्टिकुलर स्टॉक्स की वीडियो लेकर आ पाऊँ और आपके साथ मैं और सारी चीज़ें कर पाऊँ। कई जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री अभी थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि अभी एक न्यूज़ पर्टिकुलरली फ्लो हो रही है कि रिलायंस और जो सऊदी एमक्रो की जो डील थी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उससे थोड़ा बहुत ये गिरावट दिखा सकता है, तो इसलिए ये मैं पर्टिकुलर स्टॉक की वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको पता है येस बैंक भी बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहा है, चर्चा में चल रहा है, तो उसकी वीडियो मैं बहुत पहले ही लेकर आ चुका था, कम से कम 4-5 दिन पहले ही है, 6 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी थी। जाके आप ज़रूर देखिए, वहाँ से कम वो 10% तक की अपसाइड दे चुका है अभी भी, और अभी भी अपसाइड बाकी है। तो अगर आपको अपने हायर टारगेट्स जानने हैं येस बैंक के इस महीने के अंदर अंदर के, सो गाइस आप वो जाके उस वीडियो को देखिए, या फिर इस यहाँ पर आपको आई कलर का आइकन दिख रहा है, इसे क्लिक करके यहाँ पर आप येस बैंक की वीडियो भी देख सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए गाइस एक ऐसी वीडियोस बनाने वाला हूँ, लर्निंग वीडियोस की, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जो भी आप लोगों को स्टॉक्स देता हूँ, मैं सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न्स पे देता हूँ। ये जो आप हार्मोनिक पैटर्न्स देख रहे हैं, ये हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं। अदानी पोर्ट में जैसे एक हार्मोनिक पैटर्न बना, एग्जैक्ट हमें इस लेवल से पता चला, एग्जैक्ट इस लेवल से कि हमें शॉर्ट करना है, और यहाँ से जब हमने शॉर्ट करा तो आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, हैवी रेड कैंडल, कम से कम 5-6 रेड कैंडल एक साथ बनती हुई दिखी। और आप ये मत सोचिए ये 5-6 मिनट का चार्ट का एक कैंडल है, ये अर्ली चार्ट का अदानी पोर्ट का एक ये हम देख रहे हैं चार्ट पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से बना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, 797, 1235, ये जो है ये गाइस ये फिबोनाची रेशियोज है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स है, कैसे हमें स्टॉप को फाइंड करना है, कैसे ये पैटर्न्स हमें फाइंड करने, क्योंकि गाइस हार्मोनिक पैटर्न्स बहुत ही रेयर पैटर्न्स होते हैं, और जो जब ये पैटर्न्स बनते हैं, अगर 100 पैटर्न बन रहे हैं पर्टिकुलर, तो उसमें से 110% अपने टारगेट्स तक पहुंचते हैं, मिनिमम टारगेट तक पहुंचते हैं, और जो 20 हैं वो 20 एक रेंज में काम करते रहता है, या उसमें से 10 अपने स्टॉप लॉस को हिट कर जाते हैं। सो ये रेयर पैटर्न्स के साथ हम काम करते हैं। तो सबसे पहली वीडियो मैं आपके लिए लर्निंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ, हार्मोनिक पैटर्न्स विद शिवांश भसीन, लेसन 1 है, जो कि द गाटले है। ये जो पैटर्न बना है गाइस, ये गाटले पैटर्न बना है, और यही वीडियो अब आपके लिए अपलोड होने वाली है, जिसपे आपको मैं पहले बताऊंगा कि गाटले पैटर्न होता क्या है, कैसे इसके क्या रूल्स हैं, किस बंदे ने ये बनाया है, क्या उसने बुक लिखी है, उसके बाद जाके हम ये आपको पैटर्न बनाना सिखाएंगे कि ये पैटर्न कैसे बनता है, A to Z रेशियोज आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको चार्ट्स पे लेकर जाएंगे और चार्ट्स पे आपको बताएंगे कि कौन से चार्ट पे ये पैटर्न बना है और कहाँ कहाँ उसके टारगेट्स हिट हुए हैं या किधर उनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो के अंदर हम बताएंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, जो लोग भी ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये लेसन 1 है। अभी ऐसे बहुत पैटर्न्स है, हार्मोनिक पैटर्न, जो शार्क पैटर्न हो गया, साइफर पैटर्न हो गया, ऐसे बहुत से पैटर्न है जिसकी वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। एक पैटर्न और है जिसकी वीडियो में अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री में जो पैटर्न बना है, सेम वो पैटर्न हार्मोनिक पैटर्न ही है, और उसकी वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा कि वो कैसे बनाते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, रेड कलर का यूट्यूब का आइकन दे, आप उसे क्लिक करके यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको घंटी का आइकन दिख रहा होगा, घंटी का एक घंटी बना हुआ दिख रहा होगा, उसको भी अगर आप क्लिक करते हैं, सो गाइस जैसी मेरी ये वीडियो अपलोड होगी वैसी आपको आपके यूट्यूब पर दिख जाएगी, और मुझे हर जगह इसको फैला दीजिए जो लोग भी ये सीखना चाहते हैं, और अभी के अभी फैला दीजिए गाइस, क्योंकि अगर ये वीडियो सबके पास पहुंचेगी तो वो मार्केट पे बहुत अच्छे खासे से पैसा अर्न कर सकते हैं। सो गाइस हम बढ़ते हैं सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, और क्या लेवल है, क्या टारगेट है, और के 1500 तक जा सकता है, और जाएगा तो कब तक जाएगा, सारी डिटेल्स की चर्चा अब हम करते हैं चार्ट्स पे जाके।
सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस का मैंने ये चार्ट पर्टिकुलरली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, और मैं इसे एक सेकंड के लिए हटा देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पैटर्न क्या दिखा रहा है और हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इसे एक बार जूम आउट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पैटर्न हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। अब आप देखिए गाइस, जैसा कि ये पैटर्न मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये आप चार्ट देख रहे हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हम सबसे पहले कुछ शॉर्ट टर्म की चीज फाइंड करेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है। उसके लिए ये मैंने 60 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा हुआ है और मैं ये ट्रेंड लाइंस को एक बार जूम कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए गाइस, सबसे पहले मैं करूंगा एक ट्रेंड लाइन एनालिसिस। ट्रेंड लाइन एनालिसिस यानी कि फिर कुछ रेंज फाइंड करने की कोशिश करूंगा या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने की कोशिश करूंगा, फिर कि मैं पता लगा पाऊँ कि यहाँ से इसकी अपसाइड दिखा रहा है या ये नीचे जा सकता है। तो मैंने ट्रेंड लाइन ओपन कर ली है और आप देख रहे हैं ये जो गैप अप ओपन हुआ था, इस गैप से लेके, ये वाला जो गैप है, इस गैप से लेके मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और इसे एक्सटेंड जब करता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, इधर साइड इसने रेजिस्टेंस लिया, जब ब्रेक करा तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करा, सपोर्ट का काम करा, यहाँ पर भी सपोर्ट का काम करा और एक बाउंस आ गया। ठीक है गाइस, दूसरी बात, अब मैं यहाँ पर इसको एक जूम कर, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ कि हमें ये पता चल जाए कि हाँ, अब हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे, ये देख रहे एग्जैक्ट पर्टिकुलरली इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया है। ये एक डबल टॉप पैटर्न है गाइस, और हम समझ रहे हैं कि ये, आपको मैं लेवल अगर बताना चाहूँ तो गाइस 1617 या 1616 का एक डबल टॉप पैटर्न बना है और अभी ये 1600 में काम कर रहा है। यानी कि एक, अगर हम मान के चले, अगर हम फॉर शॉर्ट टर्म एक स्टॉप लॉस ढूंढते हैं तो मैं यही मान के चलूंगा कि भाई 16 या 17 रुपए का स्टॉप लॉस मैं लेकर चल रहा हूँ, और डाउन साइड कितनी है, डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये दोबारा ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है और सपोर्ट ले सकता है जो कि 1560 का है, यानी कि यहाँ से 40 रुपए की गिरावट है। अब आप देखिए, जब मैंने ये ट्रेंड लाइन एनालिसिस कर रहा हूँ, जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, तो ही हमें इतने बढ़िया टारगेट्स मिल रहे हैं कि यानी कि अगर हम मान के चले 1:2 का रेशियो मिल रहा है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 40 रुपए का टारगेट, ये हमें बीच में मिल रहा है। अब एकदम से तो नीचे नहीं जाएगा, आप देखते हैं कि एकदम से तो ये ऊपर नहीं गया, ये कितनी बार ये ऊपर नीचे जाते हुए चला। तो अब हमें इस पर्टिकुलर, ये जो रेंज है, ये आप रेंज देख रहे हैं, इस रेंज के अंदर हमें कुछ पर्टिकुलर वो फाइंड करने हैं जो कि एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेंगे। सो सबसे पहले मैं एक चीज और बना देता हूं, जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, मैं इसको भी ब्लैक कलर की लाइन कर देता हूं कि इसको आपको देखने में आसानी हो। हाँ गाइस, सो ये एक रेंज है, ये देख रहे हैं, ये एक रेंज में काम कर रही है, ये हमारी एक रेंज है, इस पर्टिकुलरली रेंज में ये काम कर रहा है, और ये रेंज पे अब हमें कुछ हर्डल्स फाइंड करनी है जहां पर ये बार बार रिलायंस इंडस्ट्री पॉज हो सकता है। सो वो रेंज को फाइंड करने के लिए मैं एक और ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ और मैं उसे थोड़ा लाइट कर दूंगा कि उसको आपको समझने में आसानी हो। गाइस, यहाँ से मैंने एक बॉटम से ड्रॉ करी लाइन और अब आप देखिए, मैंने ये लाइन एग्जैक्ट यहाँ पर बना दी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको जूम करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बीच में आपको कैसे सपोर्ट्स और वो सारी चीज़ें मिल रही थी। ये देखिए, मैंने इस पर्टिकुलर, ये जो रेंज देख रहे हो ना गाइस, आप जो मैंने आपको रेंज बना के दिखाई, इस रेंज के अंदर मैंने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जो कि एक मीडियन का काम कर रही है। अब आप देखिए, यहाँ से स्टॉक नीचे आया, पूरा नीचे नहीं गया पर यहाँ सपोर्ट ले गया और बाउंस कर गया, फिर ऊपर आया, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले गया, फिर बाउंस कर गया, जब नीचे आया तो इस ट्रेंड लाइन को इसने रेजिस्टेंस माना, यहाँ रेजिस्टेंस माना, यहाँ रेजिस्टेंस माना, यहाँ रेजिस्टेंस और इधर रेजिस्टेंस। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दो ये कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसने अपनी शैडो पर रेजिस्टेंस मारा और अब हमने एक ब्रेकडाउन देख लिया। अब क्या हो सकता है, अब कल ये अगर आपको 7-8 रुपये ऊपर मिलता है या फिर ये जो रेड ग्रीन कलर की कैंडल दिख रहे हैं, अगर ये ऊपर जाते हुए ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती है तो यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं और वहाँ से हम एक दोबारा गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस अब बीच में कोई भी हर्डल नहीं है, बीच में या कुछ भी नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 1500-1600 के लेवल से आराम से फॉल हो सकता है 1670 या 1660 के लेवल तक। ये था मेरा शॉर्ट टर्म का, और मैं आपको इस पर अगर स्टॉप लॉसेस और टारगेट बताना चाहूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ और आपको, आप इजी तरीके से फाइंड कर पाएंगे कि क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए एक स्टॉप लॉसेस और टारगेट फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए गाइस, ये लेवल है, इस लेवल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस लेवल से आप अपनी बाय की पोजीशन को, शॉर्ट की पोजीशन को इनिशिएट करिएगा। अब आपको स्टॉप लॉसेस और टारगेट क्या फाइंड करने हैं। अब आप देखिए,
ये जो ग्रीन रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, ये रेड कलर का आपका स्टॉप लॉस है। इतना आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जो कि 20 रुपये का है ऊपर। और जो ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये दिखा रहा है आपको टारगेट कि यहाँ तक ये जाएगा और जा सकता है, जो कि 40 रुपये है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 1:9.1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 1:2 का ही है कि 1 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 2 रुपये का टारगेट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2.5% का आपका टारगेट है और 1.2% का आपका स्टॉप लॉस है जो आप मेंटेन करके रखेंगे, तो आप बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो ये तो था हमारा शॉर्ट टर्म एनालिसिस, और शॉर्ट टर्म एनालिसिस में हमें बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है कि ये मार्केट में ये नीचे जा सकता है। अब गाइज मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ और सारी ड्राइंग्स को मैं एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ, और फिर हम बात करते हैं कि अब क्या दूसरा पैटर्न बन रहा है और क्या हम सजेस्ट करने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसे थोड़ा पूरा अच्छे तरीके से जूम कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, और फिर हम फाइंड करेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। जी गाइस, अब मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि अब जो पैटर्न बनाने के मैं पैटर्न बनाने वाला हूँ वो पैटर्न था एक हार्मोनिक पैटर्न, और हार्मोनिक पैटर्न पे आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से ये क्या पैटर्न का नाम है, क्या अच्छा पैटर्न है कि नहीं है, कि आपको एक आइडिया भी मिल जाए। जो मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर एक अब बनाने वाला हूँ, मैं जो वीडियोस लेक्चर्स आपके लिए बनाने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ, क्या वो आपके लिए फुलफिल है कि नहीं है। आप सिर्फ टारगेट्स पे ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कितने अच्छे तरीके से कन्फर्मेशन मिलता है। ये देखिए, ये लेवल से लेके मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जो एक्स और ए का काम कर रही थी। आप देख रहे हैं एक्स और ए पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और सेकेंड जो मैंने ड्रॉ करा वो एग्जैक्ट बी करा। फिर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सी ड्रॉ करा, और एग्जैक्ट मैंने हायर रेंज में जाके एक डी ड्रॉ कर दिया। जी गाइस, अब आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर जाके एक डी ड्रॉ कर दिया। सो ये जो लेवल निकल के आ रहा है, अब आप देखिएगा ये दिखा रहा है कि 1.614 यहाँ से लेकर अपसाइड है। अब हम देखिए, अब मैं यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँगा। ये गाइस इस पैटर्न का नाम मैं दे देता हूँ सबसे पहले कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस पैटर्न को कहते हैं हम बियरिश क्रैप। ये पैटर्न का नाम है गाइस बियरिश क्रैप पैटर्न, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पैटर्न के बारे में भी हम आपको सिखाएंगे अपनी वीडियोज पे, लेक्चर्स पे। सो ये पैटर्न का नाम है बियरिश क्रैप पैटर्न। तो बियरिश कैसे है, क्योंकि अब यहाँ से इसमें रिवर्सल आया और यहाँ से एक डाउनसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो पैटर्न बना गाइस, ये पैटर्न को बनने में टोटल 6 महीने लगे हैं। ये मई की स्टार्टिंग से बना और अब जाके ख़त्म हुआ है, तो 6 महीने का ये पैटर्न है। तो हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा पैटर्न बना है। अब गाइस मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँगा और जो एक्स से लेके ए तक करूँगा। मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ कि आपको आसानी हो। एक सेकेंड गाइस, ये हमारा चार्ट जो है वो थोड़ा बहुत छुप गया है, तो मैं इसे थोड़ा ऊपर लेकर जाता हूँ। हाँ, अब मैं आपके लिए बनाऊंगा एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल एक्स से लेके ए तक। ये एक्स से लेके ए तक मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर दिया है। जी गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आपको मैं ध्यान से दिखाता हूँ। अब आप देखिए, एक्स से लेकर ए तक मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा, 6.18% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि मैं आपको अपनी हर वीडियोस में बता चुका हूँ, या फिर अगर आप किसी और की वीडियोस देखते हो, अगर आपने लेक्चर सुने हो, सो आपको पता होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो 6.18 का रेशियो होता है, ये जो रेशियो होता है, ये एक गोल्डन रेशियो होता है फिबोनाची का, और यहाँ से एक टर्न अराउंड हमें देखने को मिलता है। सो आप देखिए, मैं आपको जूम करता हूँ। हमने एक्स से ए तक की एक डाउन साइड देखी, जब मैंने बी ड्रॉ करा तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पर इसने 6.18 पे रिट्रेसमेंट लिया, या आप इधर भी देखिए, यहाँ 6.18 पे रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर 6.18 पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ 6.18 पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर 6.18 पे रेजिस्टेंस मिला, इधर 6.18 पे रेजिस्टेंस मिला, और आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर गया। सो ये जो रेशियो होता है, ये गोल्डन रेशियो होता है, और ये जो रेशियोज होते हैं, ये ज़्यादातर हम फाइंड कर सकते हैं हार्मोनिक के अंदर, आपको परफेक्टली ये पर्टिकुलर स्टॉक्स दे कर जाएंगे। सो यहाँ से इसने डाउन साइड दिखाई, 236 पे जाके इसने अपना एक पॉज लिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेशियोज आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये सारी जगह ये रेशियोज का काम है। बिना फिबोनाची रेशियोज के आप हार्मोनिक पैटर्न्स पे कभी भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। अब आप देखिए, जो मैंने आपको 1.614 बता रहा था, अब आप ये देखिए 1.618, कुछ 0.04
पॉइंट्स का फर्क है, सो वो टारगेट तक पहुंच जाता है। तो ये पैटर्न को कहते हैं एक बियरिश क्रैप पैटर्न, जो कि रिवर्सल का साइन देता है एग्जैक्ट 1.618 रेशियो से। यहां से रिवर्सल का साइन देता है और जो कि ये दे चुका है, आप देख सकते हैं यहां से रिवर्सल का साइन दे चुका है। यहां पर भी एक बार आया था, अगर मैं इसको शिफ्ट करके इधर कर देता हूं, जो मैंने आपको डबल टॉप बताया, तो यहां पर भी ये आया था। यहां पर ये जब आया था तो 1617 का लेवल था और एग्जैक्ट वहां से हमने एक फॉल देखी, जो कि ये 1.382% रिट्रेसमेंट पे जाके इसने सपोर्ट लिया, जो कि 1540 का लेवल था। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से इसने 80 रुपए की एक गिरावट, सॉरी 80 रुपए, हाँ सॉरी, आप देख सकते हैं 80 रुपए की एक गिरावट दिखा दी थी एक या दो दिन के अंदर अंदर ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, आप देख सकते हैं जैसा खुद ही। अब यहां पर ये दोबारा आ चुका है, डबल टॉप बना चुका है, एक रिवर्सल आ चुका है गाइस, और अब दोबारा 161 पे आ चुका है। तो मैं एक दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि ये 1540 तक जा सकता है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म पे देखेंगे, जब मैंने आपको शॉर्ट टर्म एनालिसिस बताया तो भी मैंने आपको वही बता रहा था कि ये 1540-1560 तक जा सकता है। सो आप देख रहे हैं कि पैटर्न कितने तरीके से सक्सेसफुल हो रहे हैं, तभी हम आपको कहते हैं गाइस कि ये जो पैटर्न्स है इस पर आप फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत पैसा अर्न कर पाएंगे। अब किसी बंदे को पता होता है यहाँ पर तो वो डबल टॉप करके भी शॉर्ट कर सकता था, या फिर हार्मोनिक पैटर्न को समझ के शॉर्ट कर सकता था, तो जो शॉर्ट पोजीशन बनाए रखी है। अब आपको हमें इसके टारगेट्स फाइंड करने हैं। टारगेट फाइंड करने के लिए ये जो जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स बनाए हैं, जो रेशियोज बनाए हैं, ये मैं बताती है कि एक पैटर्न ड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ, परफेक्ट पैटर्न बना है कि नहीं बना। ये रेशियो बता रही है कि हाँ बेटा परफेक्ट पैटर्न बन चुका है, अब तू सिर्फ अब टारगेट फाइंड करने की कोशिश कर। टारगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमने जब पैटर्न को फाइंड करना था तब हमने एक्स से लेकर ए तक एक फिबोनाची बनाया, जब हमें अपने टारगेट और स्टॉप लॉसेस को फाइंड करना है तब हम सी से डी तक एक ट्रेंड लाइन एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाएंगे, जो हमें बताएगी, सॉरी सी से लेकर डी तक, वो मैं आपको बता के बना के दिखा देता हूँ। तो हम सी से लेकर एक डी तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बना चुका हूँ जी गाइस, ये मैं बना चुका हूँ। तो ये जो रेशियोज हैं, अब ये रेशियोज हमें बताएंगे कि क्या स्टॉप लॉसेस हैं और क्या टारगेट है। अब यहाँ पर मैं एक सेटिंग चेंज करना चाहता हूँ और सेटिंग पे मैं यहाँ पर 131 को मैंने लगा रखा है, कोई बात नहीं लगे रहने दीजिएगा। तो आप देखिएगा, ये देखिए एक सेकेंड गाइस, यहां से लेकर अपसाइड है। अब जो हमारा ये बेरिश क्रैप है, ये जब 6 महीने में इसने पैटर्न बनाया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से जो इसकी एक डाउनसाइड आ सकती है, वो डाउनसाइड सबसे पहली तो है 1560 से लेकर 1540 तक। सेकेंड डाउनसाइड है, वो सेकेंड डाउनसाइड है ये लेवल, ये आप देख रहे हैं ये लेवल, मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ और रेड कलर का कर देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये हमारा पहला टारगेट है। और जो हमारा दूसरा टारगेट है, वो दूसरा टारगेट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा दूसरा टारगेट है ये, और लास्ट टारगेट जो हमारा है, वो लास्ट टारगेट हमारा है एग्जैक्ट 618% का गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो लेवल। सो अब आप देखिए ये 1600 रुपए के लेवल से कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1340 तक, वहां तक जाने की इसकी कैपेसिटी है और वहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जा सकता है। और जो ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ये लेवल्स है 1510 और ये है 1450 का, यानी कि 1600 रुपए के लेवल से कम 250 रुपए की गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बियरिश क्रैप पैटर्न सजेस्ट कर रहा है। अब हमें देखना है कि बीच में हर्डल्स क्या है। सबसे पहले बीच में हर्डल मिला हमें 1560 से 1540 का, वहां पर के लिए अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं वहां तक के लिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी 50% जो क्वांटिटी है वो एक बार एग्जिट कर दीजिए, और जो 25% क्वांटिटी होगी वो 25% क्वांटिटी कर दीजिएगा 1500 रुपए के लेवल पे, और जो आखिरी की 25% क्वांटिटी बची होगी वो आप होल्ड करके रखेंगे लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ तक के लिए। तो एक बियरिश क्रैप है, और जिन लोगों ने भी अपनी पोजीशन बाय की बना रखी है इस पर, मैं उन्हें सलाह यही दूंगा कि वहाँ से वो एग्जिट कर जाइए, अपने रिलायंस की पोजीशन से एक शॉर्ट पोजीशन पे आ जाइए, और यहाँ से अपनी जो भी पोजीशंस थी आपने बनाई रखी थी उनसे आप निकल जाइए। अब गाइज देखिए, ये मैं एक टारगेट और स्टॉप लॉस फाइंड कर रहा हूँ, मैं आपके लिए एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या टारगेट हो सकता है क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। सबसे पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ तक का टारगेट हम आपको दे रहे हैं, ये हमारा टारगेट है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म के बारे में हम नहीं सोचते, हम शॉर्ट टर्म के बारे में, मीडियम टर्म के बारे में सोचते हैं, मीडियम टर्म के बारे में हमने सोचा और स्टॉप लॉस हमने रख दिया यहाँ पे कुछ अराउंड। सो अब आप देखिएगा, ये आपका इतना टारगेट है और ये आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि 4% तक का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है, जिसमें आपको 11% तक का एक टारगेट मिल सकता है।
गाइस हाँ जी हाँ, यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया, तो 65 रुपये का स्टॉप लॉसेस है, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर। आपको मैंने स्टॉप लॉस बताया बहुत ज़्यादा ऊपर, मेरे हिसाब से तो आपको 40 रुपये का भी स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करने की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। और गाइस टारगेट जो है वो टारगेट आपको कम से कम 170 रुपये नीचे मिल रहा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ तक जा सकता है। अगर अब हम टाइम पीरियड की बात करें, तो जब ये 6 महीने लगा रहा है बढ़ने में, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये कम से कम 1.5 से 2 महीने लगाएगा इस लेवल तक आने में, जो कि 1450 का लेवल है, यानी कि कम से कम 170 रुपये गिरने के लिए 1 से 1.5 महीना लगा सकता है। सो आप 1 जनवरी का फ्यूचर शॉर्ट करके चल सकते हैं, या फिर आप 1 फरवरी का फ्यूचर शॉर्ट करके चल सकते हैं। गाइस मैं आपको अभी भी एक बात और बता देता हूँ, मैं पैटर्न्स के बेसिस पे आप लोगों को बता रहा हूं कि आप इसमें बाय या शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है अगर आप इसमें बाय करते हैं, अगर आप इसमें शॉर्ट करते हैं, और अगर ये पैटर्न उल्टा हो जाता है और अगर आपको लॉस होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, या फिर अगर ये पैटर्न आपका सक्सेसफुल हो जाता है और अगर आप सारे टारगेट्स अचीव कर जाते हैं तो भी हमें खुशी होगी और हमें उसका कोई शेयर नहीं चाहिए। सो गाइस अगर आपको फायदा होता है तो हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, तो अगर आपको नुकसान होता है तो भी हम आपको कुछ हम उसके जिम्मेदार नहीं है। आपको हमने देखिए चार्ट में हम आपको तभी सिखाते हैं कि हम आपको बता सकें कि एग्जैक्ट रेशियोज, एग्जैक्ट पैटर्न के ऊपर हम आपको बता रहे हैं कि ये पैटर्न बन रहे हैं। अगर ये फेल होते हैं तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने आपको पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करके सिखाया गया है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, रिलायंस पे शॉर्ट पोजीशन बनाइए, बाय से निकल जाइए, आधी क्वांटिटी तो बाय से निकाल ही दीजिए। सो गाइस इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए, और स्टॉक्स की पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो मैं लेकर आऊँगा। हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर जो मैंने वीडियोज बनाना शुरू कर रहा हूँ, वो वीडियो भी जल्द आ जाएगी। पहली वीडियो जो द गाटले है उसकी वीडियो आ जाएगी। 5 स्टॉक्स कौन से आप ट्रेड करेंगे उसकी वीडियो भी आज मैं अपलोड कर दूंगा। तो सब चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गाइज मेरे साथ बने रहिएगा।